मैं डॉक्टर वैशाली जोशी, सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एट कोकिला बेन अंबानी हॉस्पिटल, आज आपसे लो लाइंग प्लेसेंटा के बारे में बात करने वाली हूँ। अब लो लाइंग प्लेसेंटा एक क्या चीज़ है? जब प्लेसेंटा यानी जिसको हिंदी में आवल और वार बोलते हैं, वो गर्भाशय के नीचे के हिस्से में दिखाई देता है, तो उसको हम लो लाइंग प्लेसेंटा बोलते हैं। ये बहुत अनकॉमन नहीं है, क्योंकि शुरुआत में जब प्रेगनेंसी शुरू होती है तो गर्भाशय की साइज़ छोटी होती है, और जैसी प्रेगनेंसी एडवांस होती है तो जब गर्भाशय स्ट्रेच्ड आउट होता है, और तभी प्लेसेंटा भी उसके साथ खींचा जाता है। इसके वजह से लो लाइंग प्लेसेंटा जो अर्ली प्रेगनेंसी में नीचे की तरफ होता है, वो ऊपर माइग्रेट होता है। उसको हम प्लेसेंटल माइग्रेशन भी बोलते हैं। इसके लिए लो लाइंग प्लेसेंटा 90 महीने पे वही जगह पे रहने की चांसेस बहुत कम होती है, मैं बोलूँगी हार्डली 2-3%, और वो कंडीशन को हम बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। अभी ये नेचुरल प्रोसेस है। ये ट्रीट करने के लिए कुछ दवाइयाँ और बेड रेस्ट की रियली ज़रूरत नहीं है। इसके वजह से क्या प्रॉब्लम्स गर्भवती महिला को आते हैं? कोई कोई लेडीज़ को ब्लीडिंग होना प्रेगनेंसी में, कभी कभी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने के वजह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है, प्रीमैच्योर डिलीवरी यानी 9 महीने पूरे होने के पहले डिलीवरी करना ज़रूरी पड़ती है। सो इसके वजह से लो लाइंग प्लेसेंटा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आप इसको हम मॉनिटर करना इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए हम एक 5वें महीने पे सोनोग्राफी होती है, उसके बाद 3rd ट्राइमेस्टर में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 9वें महीना पूरा होने के बाद जो सोनोग्राफी करते हैं उसके ऊपर प्लेसेंटा का लोकेशन ध्यान में रहना बहुत ज़रूरी है। सो इसके लिए लो लाइंग प्लेसेंटा ऐसा आपके सोनोग्राफी पे आने के बाद डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेना है वो इम्पॉर्टेंट है। जो आपका डे टू डे चीज़ें चालू है, वॉकिंग, एक्सरसाइज, वो आप कर सकते हैं। सिर्फ शारीरिक संबंध रखना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। सो प्लेसेंटा प्रीविया इज़ ये जो कंडीशन है वो नेचुरल कंडीशन है। उसके लिए आपको मॉनिटरिंग प्रेगनेंसी में करना बहुत ज़रूरी है। इतना ही मैं आपको बता सकती हूँ। थैंक यू।